Good morning, students. So in previous video, we have studied till 12th point, now 13th point. A healthy and well-organized party system. In practice, democracy is a form of party administrative system. Therefore, its success depends upon the policies, programs, and loyalty of the political parties. Democracy, party administrative system ka hi ek form hai. Matlab democracy ke andar bhi parties banti hai. And therefore, its success depends upon the policies, programs, and loyalty of the political parties. और इसलिए इसकी success depend करती है किस पर policies, programs, और loyalty किसकी political parties की. It is important that for the success of democracy that the formation of political parties should be on a healthy basis. डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन जो हुआ है वो एक हेल्दी बेसिस पर हो, सही ढंग से हो. देयर फॉर्मेशन शुड नॉट बी ऑन रीजनल, लिंग्विस्टिक और कम्युनल बेसिस. उनका फॉर्मेशन रीजनल, लिंग्विस्टिक या कम्युनल बेसिस पर नहीं होना चाहिए कि हम एक जगह के हैं तो हमने एक पार्टी बना ली, हम एक जाति के हैं हमने एक पार्टी बना ली, हम एक भाषा बोलते हैं हमने एक पार्टी बना ली. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. रादर दैट शुड बी ऑन नेशनल बेसिस. बजाय इसके उनका उनका जो फॉर्मेशन है वो नेशनल बेसिस पर होना चाहिए कि हम एक देश के हैं. दिस मीन्स दैट द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ नेशनल लेवल. इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो फॉर्म्ड बनानी चाहिए दिमाग में ये बात को ध्यान रखते हुए कि इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल लेवल की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बजाय इंटरनल डेमोक्रेसी शुड बी इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज. उन इन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्क करने के मामले में इंटरनल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए. इंटरनल इलेक्शन शुड बी टेक प्लेस एट रेगुलर टाइम इंटरवल. एक रेगुलर टाइम इंटरवल में इंटरनल इलेक्शंस भी होने चाहिए. एंड दे शुड नॉट अपॉइंट इनडिसिप्लिनड ऑपरचुनिटिस्टिक कैंडिडेट्स एज देयर मेंबर्स. और उन्हें इनडिसिप्लिनड और ऑपरचुनिस्टिक कैंडिडेट्स को अपने मेंबर्स के तौर पर अपॉइंट भी नहीं करना चाहिए. 14th पॉइंट, केपेबल एंड लॉयल स्टेट्समैन. For the success of democracy की success के लिए presence of capable and intelligent politicians is necessary. Capable intelligent politicians की presence भी necessary है, उनकी ज़रूरत भी है. Who are also loyal towards their democracy, जो अपनी democracy के प्रति भी loyal हों, अपनी democracy के प्रति वफादार हों. Only such politicians are capable of finding peace and democratic solutions. केवल ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ही कैपेबल होते हैं फाइंडिंग पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस फॉर द नेशनल प्रॉब्लम्स. ऐसे पॉलिटिशियंस ही कैपेबल होते हैं पीसफुल और डेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस को फाइंड करने में नेशनल प्रॉब्लम्स की. इफ द पॉलिटिशियंस आर करप्ट, ऑपरचुनिस्टिक, make false promises, greedy for power, provide illicit profit to their supporters and provoke the dissipate feelings of the public. अगर कोई politician corrupt है, opportunistic है, corrupt मतलब भ्रष्ट है, opportunistic है, make false promises, गलत वादे करता है, झूठे वादे करता है, greedy for power, सत्ता के लिए लालची है, provide illicit प्रॉफिट टू दियर सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर्स को तो बहुत प्रॉफिट प्रोवाइड करवाता है, एंड प्रोवोक द डिसिपिकेबल फीलिंग्स ऑफ पब्लिक, और पब्लिक की जो फीलिंग्स हैं उन्हें नजरअंदाज करता है, देन दे ट्रांसफॉर्म अ डेमोक्रेसी इनटू क्राउड ऑफ पब्लिक. तब वो डेमोक्रेसी को क्राउड ऑफ पब्लिक, सिर्फ एक पब्लिक की भीड़ में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बना देते हैं. एंड अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप इमरजेंस एंड क्राइसिस ऑफ लीडरशिप इमर्जेस इन फ्रंट ऑफ द नेशन. और फिर नेशन के सामने एक क्राइसिस, लीडरशिप की एक क्राइसिस इमर्ज हो जाती है, मतलब हमें लीड कौन करेगा. एंड द कॉमन पीपल डिसकंटिन्यू टू ट्रस्ट द पॉलिटिशियंस. और फिर कॉमन पीपल का पॉलिटिशियंस पे से ट्रस्ट उठ जाता है. नेशनल स्कीम ऑफ पब्लिक वेलफेयर. इन डेवलपिंग कंट्रीज
इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी दैट सच नेशन नेशनल पॉलिसीज शुड बी फॉर्म्ड विच नो वन हैंड शुड बी बेनिफिशियल फॉर। डेवलपिंग कंट्रीज में ये डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी नेशनल पॉलिसीज बने जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम और नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करे। एंड ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ दे शुड ऑल्सो बी हेल्पफुल इन रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लेबर क्लास एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो हेल्पफुल होने चाहिए इस मामले में भी रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लेबर क्लास की लेबर क्लास का और जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधारें। नेशनल कंसेंट ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर शुड बी कंसेंट अमंग द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द इम्पॉर्टेंट इश्यूज। डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि देयर शुड बी कंसेंट अमंग द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी पॉपुलेशन, कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में एक कंसेंट होना चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। और इनमें तो होना ही चाहिए, और किस में होना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए ऑन ऑल इम्पोर्टेंट इशूज, सभी इम्पोर्टेंट इशूज पर। एंड देयर शुड बी सच अ पोजिशन, और वो वहाँ पर एक ऐसी पोजिशन होनी चाहिए दैट द अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल सेक्शंस हैव नो ऑब्जेक्शन ऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी कमिंग इनटू पावर, कि जो अदर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है और सोशल सेक्शंस है वो उस पॉलिटिकल पार्टी पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सके जो पावर में आ रही है, जो गवर्नमेंट में आ रही है। एंड नो अननेसेसरी टेंशंस एंड सस्पेक्शंस टेक प्लेस अमंग देम, और उनके बीच में कोई अननेसेसरी टेंशन या सस्पेक्शंस नहीं होने चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए ये भी होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव ना हो और जुड़े हुए हों। अगर कोई पार्टी पावर में आ रही है तो उसके ऊपर अननेसेसरी टेंशन या सस्पेक्शंस नहीं लगाए जाएं, उसको कन्फ्यूज ना किया जाए, उस पर भरोसा किया जाए। थैंक यू। टुमारो वी विल स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, बाय बाय।